सो दोस्तों फाइनली आज रिलीज हो गया है बारिश बन जाना सॉन्ग हिना खान और शहीर शेख का। चलिए आज इसका रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरह का यह सॉन्ग है या फिर सॉन्ग में क्या कुछ खास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं टेलीफिल्म्स। टेलीफिल्म्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक अपडेट को जानिए और अपडेटेड रहिए। दोस्तों हिना खान और शहीर शेख का जब पोस्टर आया था, टीजर आया था, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था उनके फैंस को कि ये सॉन्ग कब रिलीज होगा। सो फाइनली आज रिलीज हो गया और इस सॉन्ग में बहुत कुछ है खास। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह की इसमें स्टोरी दिखाई जा रही है रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ में, जिस तरह से उन लोग शूटिंग करते हैं सॉन्ग में ही, जिस तरह से उनका प्यार दिखाया जा रहा है, ट्रू लव की तरह दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से वो बिछड़ते हैं, ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रियल लव की तरह ये बारिश बन जाना सॉन्ग है और जो इसका बोल है पायल देव और स्टेविन बेन ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। सो बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने वाला ये सॉन्ग है। जिस तरह से शहीर शेख और हिना खान की केमिस्ट्री दिख रही है आउटस्टैंडिंग है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस तरह से इन लोगों ने एक्सप्रेशन दिया है या फिर इमोशन दिखाया है बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सॉन्ग लगा। आपको क्या कुछ कहना है इस सॉन्ग के बारे में? बारिश बन जाना बहुत ही अच्छा सॉन्ग लग रहा है और बहुत ही हिट होने वाला लग रहा है ऐसा। जी हाँ दोस्तों, ये सॉन्ग रिलीज हुआ है वायरल ओरिजिनल्स पे, आप देख सकते हैं। और अगर आपने देख लिया है तो हमें जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कि आपको बारिश बन जाना सॉन्ग कैसा लगा और स्टेविन बेन और पायल देव ने जिस तरह से इसकी आवाज दी है उनके बारे में क्या कुछ कहना है। हिना खान शहीर शेख की केमिस्ट्री के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप हमें जरूर बताएं। और टेलीफिल्म से बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।